नमस्कार दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टाइल बटाटा भजी की रेसिपी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और फुली फुली ये भजिया बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले दो कटोरी भर कर बेसन लिया है। इसको बनाने के लिए बारीक बेसन का ही यूज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने डाला है अजवाइन। इसको अच्छे तरीके से मसल के ही डालना है, जिससे कि इसका सारा स्वाद भजिए में उतर पाए। अब डालेंगे थोड़ा सा सोडा, अब इसमें जाएगी थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसे डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भजिए में इससे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में धनिया जीरे का पाउडर। और लास्ट में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर आती है आलू स्लाइस करने की बारी। ये वही स्लाइसर है जो कि घर पर चिप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल पतले पतले से इसके हमें जो है स्लाइस करके लेने हैं। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक जरूर ध्यान रखिए, अगर आप मोटे मोटे चिप्स काटेंगे ना तो आपकी जो भजी है वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। अब देखिए आलू की कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम डालेंगे पानी में, जिससे कि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब इसे पानी में डालने के बाद में जो भी स्टार्च वाला सफेद पानी निकलता है उसे अच्छे तरीके से साफ करके लेना है। अब इसे दूसरे प्लेट में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक साइड आपको गरम तेल करने रख देना है। अब लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम तेल, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पतला सा एक बैटर तैयार करके लेना है, आप देख सकते हैं। और इस स्टेज पर आप नोटिस कीजिए बैटर की कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस बैटर को कम से कम 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमारे आलू भी देख सकते हैं बिल्कुल भी काले नहीं पड़े। बस तो अब एक एक स्लाइस को डिप करना है और अच्छे तरीके से कोट करके लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा बैटर होगा उसको झटक के ऑयल में डालते जाना है। तो हम थोड़ी देर बाद देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे फूलने लग जाएंगे। अब इन भजियों को अच्छे तरीके से गोल्डन क्रिस्पी होने तक तलना है, देख सकते हैं आप। तो लीजिए गाइस, हमारे फूले फूले आलू के पकौड़े एकदम तैयार है। और आपके पकोड़े कैसे बने वो हमारे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही स्ट्रीट की रेसिपीज जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।